Hi guys, welcome or welcome back to another video of One Step Trading. In this video, we are going to analyze Bank Nifty for tomorrow 17th May. तो सबसे पहले आज का एनालाइज करके देखें तो मार्केट में आज बहुत अच्छी तरीके से हमें टारगेट्स मिले हैं. जो कल मैंने आपको एक लेवल बताई थी जो हमारा सपोर्ट बेस था, उसको मार्केट ने आज फाइनली ब्रेक डाउन दिया मॉर्निंग में ओपनिंग होती. एंड जो ईएमए तक का यहाँ पर हमने टारगेट सेट किया था वो बहुत अच्छे से हमें मिल गया. तो अराउंड 150 की मूवमेंट्स हमें पुट साइड देखने को मिली. एंड ऊपर की ओर जो यहाँ पर स्विंग हाई था कल का, उसको भी मार्केट ने अच्छे खासी तरीके से रिस्पेक्ट किया है. एंड यहाँ पर हमें हमारी लेवल से 120 प्लस पॉइंट यहाँ पर मिले हैं. उसके बाद तो मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज मूवमेंट दिखाया एंड कुछ इस तरीके से क्लोजिंग मिली कि अगेन मार्केट यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है, जो है 43,849 का लेवल. एंड यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी सपोर्ट ले रहा है. तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है. अब कल के लिए अगर एनालाइज करना है तो हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं. एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, जो यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है. ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से यहाँ पर फंसा हुआ है. जहाँ से पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, अपसाइड मूवमेंट दिखाया, देन सपोर्ट लिया एंड अगेन अपसाइड, एंड फाइनली उस लेवल को, उस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया. एंड अब यहाँ से रिटेस्ट करते हुए नीचे की साइड पॉसिबिलिटी मार्केट दे सकता है. ठीक है, तो कल के लिए अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट टारगेट है हमारा ये वाला रहने वाला है, एंड उसके नीचे सेकंड टारगेट हमारा ये वाली लेवल रहने वाली. तो पुट साइड के लिए ये हमारी दो लेवल बन सकती है कल के लिए. एंड अपसाइड के लिए जो हम यहाँ पर लेवल्स देखने वाले हैं, वो अगर मार्केट इस बॉक्स के ऊपर हमें ब्रेकआउट और सस्टेन करता है तो 44,500 का लास्ट टारगेट हमें यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कॉल साइड रिस्क नहीं लेना है. और ये जो जोन है ये तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है. इसके बीच में अगर मार्केट ओपनिंग होकर साइडवेज करता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है. ओनली इस बॉक्स के बाहर ही हमें यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है. एंड आज के प्रॉफिट की हम बात करें तो आज मेरा 1200 का कुछ प्रॉफिट रहा है. यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड जो मैंने बाय करी थी वो 280 की प्राइस पे की थी एंड 260 का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. देन अगेन मैंने री एंटर किया एंड यहाँ पर लॉस रिकवरी किया. उसके बाद यहाँ पर कॉल साइड की ओर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसमें मैंने छोटे पॉइंट्स के साथ एग्जिट किया हुआ है. एंड आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 289 का हाई है एंड इस कॉल ऑप्शन का आज दिन भर का हाई भी 289 है. तो बहुत सेफली आज हमने एग्जिट किया है एंड इसीलिए आज हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1200 का दिख रहा है. ओके, चलिए गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू.